बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं वाओ नी अपडेट टीवी में। प्यार सोसो, बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे हैं जो डेली बेसिक पे 100 के हिसाब से कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ मेरे भाई इंडिया के भी हैं, कुछ मेरे भाई पाकिस्तानी हैं और कुछ मेरे भाई बांग्लादेशी हैं। तो प्यार सोसो, आप लोगों को ये बताता चलूँ, बहुत सारे दोस्त यही बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप हमें कन्फर्म डेट बता दें कोई, अगर आपको पता है तो। प्यार सोसो, जो खलीज टाइम पर एक जो नोटिफिकेशन है वो शाया हुआ है फ्लाइट्स के हवाले से, दुबई फ्लाइट्स के हवाले से कंफर्म तारीख बता दी गई है। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आप लोगों को हकीकत कोई भी नहीं बता रहा, जो आज हम बताने वाले हैं ताकि आपकी टेंशन भी खत्म हो जाए। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके वीजे लग चुके हैं, लेकिन फ्लाइट्स बंद होने की वजह से वो सफर नहीं कर पा रहे और टेंशन में कि फ्लाइट्स कब खुलने जा रही है। तो आप लोगों को ये नोटिफिकेशन में दिखाने वाला हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि किस डेट को फ्लाइट्स बहाल की जाएंगी। प्यारे दोस्तों, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं लाजमी करूंगा अपने चाहने वालों से, अपने सुनने वालों से। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी दबा लीजिएगा, और इस वीडियो को नेकी का काम समझकर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है ताकि जो मेरे भाई फ्लाइट्स के वाले से परेशान बैठे हुए हैं उनकी परेशानी खत्म हो जाए। तो खलीज टाइम पर वाज़ह तौर पर यह बता दिया गया है कि यूएई की जो फ्लाइट्स हैं, दुबई की फ्लाइट्स हैं, वो ईद उल जुहा के बाद यानी बकरा ईद के बाद खोलने का ऐलान कर दिया गया है। उससे पहले कोई भी चांस